नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निजी अस्पतालों के बिल और वेंटिलेटर की कमी पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारी को निवेदन सौंपा। एमपी का वैक्सीन मीटर, ऑनलाइन दोस्ती कर फंसा व्यवसायी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। निजी अस्पतालों के बिल और वेंटिलेटर की कमी पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारी को निवेदन सौंपा। निजी अस्पताल O2 का बेड देकर वेंटिलेटर का पैसा ले रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होंगे। राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आंकड़ों के अनुसार राज्य में वेंटिलेटर और आईसीयू में बिस्तरों की स्थिति भी विकट हो सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र युवक कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर समूह तैयार कर निजी अस्पताल में नियंत्रण रखने तथा वेंटिलेटर की कमी दूर करने हेतु जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रादुर्भाव के तहत कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया। माननीय अध्यक्ष सत्यजीत तांबे इनके मार्गदर्शन पर यह निवेदन दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह से मेडिकल में 200 वेंटिलेटर बेड और 600 O2 के बेड है, उसी तरह से 150 बेड IMGC में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, और 400 के करीब करीब O2 के बेड है। तो सबसे पहले आम जनता और आम गरीब आदमी सरकारी दवाखाना में जाता है और खासगी में सेकंड में जाता है। जब वहाँ पे इस तरह से बेड पूरे फुल है और जब पूछा गया कि O2 के अलावा वेंटिलेटर के बेड क्यों नहीं पेशेंट को मिल रहे, तो कोरोना के बाद में भी एक्सीडेंट वगैरह बंद नहीं हुए, एक्सीडेंट वगैरह बाकी की बीमारियाँ चालू है, तो इसके कारण डीन ने कहा कि हमको बाकी के लिए भी बेड रखने पड़ रहे हैं। तो वेंटिलेटर की कमी पूरे शहर में है। इसके तहत माननीय सत्यजीत तांबे ने, अध्यक्ष ने कहा था हमको कि आप वेंटिलेटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर से बात करके उनकी सुविधा मुहैया कराया जाए। तो हम कलेक्टर को मिले और हमें ये पता चला कि खासगी में भी, आपको बता दें साथियों कि खासगी में NMC के नाम के तहत जो 1.5 लाख रुपये उन्होंने रखा है, लेकिन ये O2 का बेड देके, वैसे देखा जाए तो मैं डॉक्टरों के ऊपर, वो तो वॉरियर्स है, वो लड़ रहे हैं हमारे ज़िंदगी के लिए, वो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शहर के अंदर के बहुत सारे खासगी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा वाकया नज़र आ रहा है कि O2 का बेड देकर वेंटिलेटर के पैसे लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आम जनता के साथ में तकलीफ है। बहुत लोग वहीं पे मर रहे हैं और उन लोगों का ऐसा, अगर उनको हम अगर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अगर हम फोन करके और पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी NMC के नाम के तहत बेड दे चुके हैं, तो हम वेंटिलेटर दे चुके हैं, अभी जो कुछ बचे हुए हैं हमारे लिए प्राइवेट 20 बेड सामने ऐसे रखे हैं, 80-20 का रेशो किया, अगर हमारे पास 10 बेड है तो 8 हम NMC के नाम के तरह दे रहे हैं और 2 बेड हम खासगी के लिए 2-2.5 लाख रुपये लेके दे रहे हैं। तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष के तहत ये मांगनी हमने की है कि आप एक डॉक्टर की चमू तैयार की जाए। यह मैं आपके जरिए भी राजेश टोपे और माननीय अमित देशमुख जी को भी, वैद्यकीय मंत्री के और वैद्यकीय शिक्षण मंत्री को निवेदन कर रहा हूँ कि एक ऐसी डॉक्टर की समूह तैयार की जाए जो खासगी दवाखानों के ऊपर नियंत्रण रखे, ताकि आम जनता की जो जनता को जो तकलीफ का सामना पड़ रहा है, पैसों की जो डिमांड हो रही है, अवास्तव पैसा की डिमांड हो रही है, उसको रोका जाए। ये प्रदेश युवक कांग्रेस की सबसे पहली मांगनी रही है। तो वही दूसरी ओर MP का वैक्सीन मीटर। 45 उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में रोजाना 4 लाख लोगों का टारगेट तय किया गया है। आबादी के अनुपात में वैक्सीनेशन देखा जाए तो भोपाल जिला प्रदेश में टॉप पर है। यहां 1.5% आबादी का दूसरा डोज लगा चुका है। हालांकि संख्या के लिहाज में कम्प्लीट वैक्सीनेशन में इंदौर 55,039 लोगों के साथ सबसे आगे है। कई जिलों में रफ्तार कम है। टीकमगढ़, निवाड़ी, अमरिया और अनूपपुर सबसे पीछे चल रहे हैं। राज्य में 5 अप्रैल तक 47 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है, जबकि इनमें से 5,42,000 को दूसरा डोज लग चुका है। तो वही तीसरी और ऑनलाइन दोस्ती कर फंसा व्यवसायी। एक व्यवसायी को ऑनलाइन ऐप पर युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। डेटिंग ऐप पर उसे मुंबई गर्ल मिली। पहले सामान्य बातचीत हुई, इसके बाद मुंबई गर्ल ने अश्लील बातें शुरू कर दी। व्यवसायी को बातों में मजा आया। इसके बाद युवती ने उसकी चैट और वीडियो कॉलिंग को एडिट कर अश्लील रूप दे दिया। अब युवती व्यवसायी को ब्लैकमेल कर बदनाम करने की धमकी दे रही है। इस घटना के बाद व्यवसायी के घर पर उसकी पत्नी से रोज झगड़े हो रहे हैं। रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। घटना मुरार के सिंहापुर रोड पर 15 दिनों से पहले से अभी तक की है। परेशान होकर व्यवसायी ने SP ग्वालियर के दफ्तर में आवेदन देकर शिकायत की है। व्यापारी का कहना है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, इसके बाद भी उसे युवती के साथ ही धमका रहे हैं।
अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।